हर साल आपको एक एवरेज कितना परसेंटेज मिल रहा है, बिल्कुल उसे रोक दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो भाई ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल प्लान ही सही है। इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेडिशनल प्लान्स, जब मैं ये ट्रेडिशनल प्लान बोलता हूँ तो आपको पता है ना मैं किस बारे में बात करता हूँ, जो एंडोमेंट प्लान होते हैं, जो कोई कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके आपको चिपकाती है और जिसका रिटर्न आपको कई सालों बाद इतना ज्यादा बताया जाता है, लेकिन उसका एक्चुअल परसेंटेज आपको नहीं बताया जाता कि आपकी की गई इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना परसेंट CAGR मिल रहा है। CAGR आपको पता है ना, हर साल आपको एक एवरेज कितना परसेंटेज मिल रहा है, मतलब अगर आपने 10 साल के लिए निवेश किया तो हर साल आपको एक एवरेज कितना परसेंट रिटर्न मिला, उसमें वो परसेंटेज किसी साल बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी साल बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन एक मिला जुला के ओवरऑल जब उसको एवरेज निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं CAGR। खैर, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास, वैसे तो सभी लोगों के पास ये ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, और अगर है भी तो आप लोगों ने श्योरली कहीं और भी इन्वेस्टमेंट चालू कर दी होगी, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिशनल प्लान से 5% तक का भी अगर आपको रिटर्न मिल जाए ना तो बहुत है, जबकि आप अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5% से कई ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये बात ना कई लोगों को समझ नहीं आती या यूं कहें कि हजम नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए ही ट्रेडिशनल प्लान जो है वो सबसे बेस्ट है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल प्लान में ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है और करते ही जा रहे हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल प्लान की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी और बहुत कम रकम की नहीं होती। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन आज के टाइम पर भी ऐसे कई लोग हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनका पैसा कितने रेट से ग्रो कर रहा है, उनको बस यही है कि आज हम जो पैसा डाल रहे हैं वो आज से 20 साल 25 साल बाद भी मिले, लेकिन मिल जाए, एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाए। उनको एक पैसे का लालच नहीं है कि उनके मूलधन पे कुछ इंटरेस्ट लग के मिले, कुछ कमा के मिले, कुछ रिटर्न जनरेट कर पाए उनका मूलधन, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ना ही उनको इस चीज की समझ है कि आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद उनके आज के पैसे की उस वक्त कितनी ही वैल्यू रह जाएगी, लेकिन उनको बस इस चीज का संतोष है जो पैसा वो भर रहे हैं एटलीस्ट उतना भी मिल जाए। मतलब आप तो अपना पैसा आज की कमाई, आज की मेहनत के हिसाब से दे रहे हैं, वो भी इस उम्मीद पर कि सामने वाला बस मेरे को उतना ही पैसा लौटा दे। तो फिर आप खुद सोचिए क्या फायदा ऐसे इन्वेस्टमेंट का। अगर आप लोग अभी भी ऐसे ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टेड है ना तो बिल्कुल उसे रोक दीजिए, खत्म कर दीजिए और शुरू करिए अपनी एक नई फाइनेंशियल जर्नी विद म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, मार्केट के बारे में नहीं पता, तो एक ढंग का मिड या स्मॉल कैप अपने अपने रिस्क के अनुसार आप म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको वो इतना सही रिटर्न ला के दे सकता है जितना आपको एक ट्रेडिशनल प्लान या ट्रेडिशनल पॉलिसी कभी ला के नहीं दे सकती। लेकिन ये बात मेरी कुछ ही लोगों की समझ में आएगी, कुछ लोगों की समझ में ये कभी नहीं आएगी, चाहे मैं या आप उन्हें कितना भी समझा लें, कितना ही बता दें। तो भाई ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल प्लान ही सही है, और बाकी जिनको समझ में आ चुका है वेल एंड गुड, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और जर्नी अब से चेंज करिए और एक अच्छा रिटर्न कमाने के आप हकदार हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, तो जिनको समझ में आ जाए वो लाइक करके शेयर कर देना। बाकी मेरा नाम है अमित ढौंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।